Disclaimer, this video is strictly for educational and documentary purposes. The techniques shown here are intended to help users regain access to their own personal device or recover lost data. We do not support, encourage, or promote the use of this software on stolen property or for any illegal activities. Bypassing security on device you do not own is a violation of the law. Use this information at your own risk. दोस्तों, साइज हियर back with another interesting and most important video. और recently जो है मैंने अपने brother को जो है एक iPhone gift करा था. मतलब बहुत time से वो request कर रहा था, भैया प्लीज़ iPhone गिफ्ट कर दो, iPhone गिफ्ट कर दो, प्लीज़ iPhone दिला दो. और 2 साल के बाद मैंने उसको iPhone दिया था. और कैसा है ना, मतलब वो अपना पुराना ही घिसा पिटा एंड्रॉयड यूज़ कर रहा था और बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, तो मैंने उसको iPhone दिलाया. ठीक है, अब हुआ क्या है, मेरा जो ब्रदर है वो नॉन टेकी बंदा है, ज़्यादा उसको कुछ समझता नहीं है उतना. अब इसने करा क्या, कुछ टाइम बाद मेरे को वो कॉल करता है. मैं कॉल उठाता हूँ और पूछता हूँ क्या हुआ. बोलता है कि मेरा फ़ोन लॉक हो गया. बोलता है कि पूरा लॉक हो गया है डिवाइस, कुछ भी नहीं हो रहा है. अरे भाई क्या बंदा है भाई. जैसे कि आपसे बोला था ना, फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड से iOS में शिफ्ट होने वाला का ये हाल होता है, कुछ समझता ही नहीं है. तो ब्रदर ने करा क्या है कि वो भूल गया, उसने अपना डिवाइस रीसेट मारा और सारी चीज़ें भूल गया. उसको पासवर्ड याद नहीं, कुछ भी याद नहीं. अब करे तो क्या करे. अब हमारे पास एक ही सोल्यूशन था, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ डब्बा बिल बॉक्स लेके हम चले जाए केयर सेंटर, सर्विस सेंटर आईफोन के, तो वहाँ पर तो अनलॉक हो जाएगा. बट अपने पास उतना टाइम नहीं है भाई अपने पास उतना टाइम नहीं है, तो हमें इंस्टेंट कराना था. अब हमने पास क्या कर सकते हैं, तो मैंने उसको बोला दूसरा सोल्यूशन तू फॉलो कर. दूसरा सोल्यूशन ये है कि वंडरशेयर की तरफ से एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके थ्रू जो है आप अपना iOS का डिवाइस रिएक्टिवेशन करा सकते हो. अब वो बोला भाई मेरे को नहीं समझता है भाई, ये क्या सॉफ्टवेयर मेरे को नहीं मालूम भाई, मेरे को नहीं पता क्या है क्या है. अरे भाई तू ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर, इंस्टॉल कर. मैंने उसको लिंक दिया, फट से उसने डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया. उसके बाद सॉफ्टवेयर ओपन करा और फोन को कनेक्ट किया पीसी से. उसके बाद इस ब्लू बटन पे टैप करा. यहाँ पर ऑन स्क्रीन सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन थी, सॉफ्टवेयर के ऊपर ही पूरा स्क्रीन पे सब मेंशन था. उसके बाद जो है रीएक्टिवेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका था, कुछ ड्राइवर्स वगैरह जो है इंस्टॉल हुई पहले. और उसके बाद जो है रिकवरी जो प्रोसेस है, डिवाइस रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ. और यहाँ पर जो प्रॉपरली रीएक्टिवेशन प्रोसेस जो है वो चल रही थी. इस बीच में जो आईफोन है वो कुछ बंद चालू वगैरह हो रहा था, थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हो रही थी. ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने डिवाइस को जो है प्रॉपरली रीएक्टिवेट कर सकते हो. ठीक है, विद ऑफिशियल मेथड रीएक्टिवेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ. ठीक है, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे भैया ये जो सॉफ्टवेयर है ये कुछ ज़्यादा ही महंगा होगा क्योंकि इतना प्रीमियम फीचर जो है इसमें. तो भैया अभी है क्रिसमस, तो आप इस सॉफ्टवेयर को एकदम डिस्काउंट में ले सकते हो. अब आप में से कुछ लोग की ये भी शिकायत होगी कि भाई ये सिर्फ अकेला डिवाइस रिएक्टिवेशन के लिए सॉफ्टवेयर खरीदूं ना, इसमें आपको बहुत तगड़े फीचर्स देखने को मिलेंगे. और लाइक आप WhatsApp का डेटा ट्रांसफर कर सकते हो एक फ़ोन से अपने दूसरे फ़ोन में. यहाँ पर अपना फुल डेटा जो होता है, मतलब फोटोज़ वीडियोज़ सारा का सारा डेटा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिकवर भी कर सकते हो अपने डिलीटेड डेटा को. उसके बाद आपका iOS सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई, फ़ोन लोगो पे अटक गया, रिकवरी पे अटक गया, तो आप उसको जो है रिपेयर मोड में डाल के रिपेयर कर सकते हो. अब आप में से कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होगा कि रिपेयर करने के बाद भी नहीं होता है. कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसमें रिपेयर शो होता है पर होता नहीं है. उसमें एडवांस मेथड भी दिया गया है इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसमें आपको एडवांस में जो है आपको एडवांस रिपेयरिंग का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा रिकवर हो ही जाएगा, आपका रिपेयर सिस्टम हो जाएगा. उसके बाद जो है काफ़ी तगड़ा फीचर जो कि न्यूली ऐड करा है वंडरशेयर वालों ने, जो कि आप अपने प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए अपना लोकेशन चेंज कर सकते हो. अब आप लोग जानते होंगे अपना चैनल बहुत डिमांड में रहता है लोकेशन चेंज के बारे में, और मैंने अभी तक बहुत वीडियोस बनाए लेकिन वो एंड्रॉयड के लिए थे. लेकिन अब यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है आपके आईफोन के ऊपर, iOS के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हो. तो आप अपना लोकेशन वगैरह जो है यहाँ से चेंज कर पाओगे, तो ये पॉसिबल है. अब आप आपको अपने आईफोन के ऊपर ये पॉसिबल है, ये कर सकते हो आप. वंडरशेयर की हेल्प से आप ये चीज़ें कर पाओगे. काफ़ी कमाल कर दिया इन लोगों ने नया फीचर लाके. उसके बाद अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई पूरा iOS के लिए बता रहा है, यहाँ पे एंड्रॉयड वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं, और अपना चैनल मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड यूजर्स है, कुछ एंड्रॉयड के लिए होगा तो बता. तो भाई एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत तगड़े फीचर्स है. एंड्रॉयड का लॉक स्क्रीन हो गया, गूगल अकाउंट हो गया, रीएक्टिवेशन जो है अपने डिवाइस को आप रिकवर कर पाओगे इस प्रोसेस. उसके बाद आपका एक एंड्रॉयड का डेटा जो होता है वैसे उठा के दूसरे एंड्रॉयड फोन में आप डाल सकते हो. मतलब यहाँ पे कोई झंझट ही नहीं है. ये सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, बहुत सारे फीचर्स भी इसके साथ आते हैं. और एक बात ध्यान रखना, इस सॉफ्टवेयर के साथ आपको डिस्काउंट में अभी मिल रहा है. मतलब क्रिसमस जो है ना, अभी क्रिसमस पास आ चुके हैं, तो आपको डिस्काउंट में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो. और यहाँ पर इसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है. पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जहाँ पे वहाँ पे क्लिक करना है. उसके बाद आपको ये फाइल डाउनलोड होगी, उस पर डबल क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद आप ओपन करो और बढ़िया इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करो भाई। मतलब एंड्रॉयड फोन्स के लिए भी और आईफोन्स के लिए, दोनों के लिए भी ये सॉफ्टवेयर काम आएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर।